हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको एक चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम वेव एंड ऑप्टिक्स 1 यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंस है प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा के बीच में, कंपलसरी क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, यूनिट में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके साथ अटैच होकर भी आ सकता है, 2 और 3 मार्क्स का मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या क्या डिफरेंस लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें, आइए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आप डिफरेंस है वो टेबुलर फॉर्म में लिख के आएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे प्रिज्म स्पेक्ट्रम और एक तरफ लिखेंगे आप ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे प्रिज्म स्पेक्ट्रम के, विद प्रिज्म ओनली वन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस। प्रिज्म केवल एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्रेटिंग जो है मोर देन वन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसके अंदर, ग्रेटिंग के अंदर बहुत सारी स्लिट्स जो हैं वो पैरेलली अरेंज की जाती हैं, तो हर स्लिट का अपना जो है वो स्पेक्ट्रम होगा। तो मींस यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होंगे, मींस यहां पर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा, स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा। विद द ग्रेटिंग अ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड। तो ग्रेटिंग के साथ आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्लिट जो है वो पैरेलली अरेंज होती हैं। अगर आपने ग्रेटिंग वाला वीडियो देखा है, ग्रेटिंग क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उनका उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप ग्रेटिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। द डिविजन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ द प्रिज्म एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। प्रिज्म के केस में जो एंगल ऑफ डिविजन का फॉर्मूला होता है, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है 12th क्लास में मेनली ऑप्टिक्स के अंदर, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। यहाँ पर ए है एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। म्यू जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहने वाला है इस केस में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड पॉइंट प्रिज्म स्पेक्ट्रम का। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि डेविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द डेविएशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ पर डेविएशन जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की उतनी ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस होगी। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ ग्रेटिंग, और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी डेविएशन कि आपने ग्रेटिंग किस मटेरियल का बनाया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड डिफरेंस दोनों के बीच में। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर वायलेट रेज इज मोर देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर रेड रेज। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करवाई जाती है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन कौन से कलर की होती है? सबसे ज्यादा डेविएशन जो होती है वो वायलेट कलर की होती है, और सबसे कम डेविएशन किसकी होती है? रेड कलर की होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ग्रेटिंग के केस में इसका ऑपोजिट देखने को मिलता है, वहां पर वायलेट कलर की डेविएशन सबसे कम होगी, रेड कलर की जो है डेविएशन सबसे ज्यादा होगी। यह आपका तीसरा डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट में आपने लिख दिया, तो यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है आपने। यहां पर द डेविएशन प्रोड्यूस फॉर रेड रेस इज मोर देन द डेविएशन प्रोड्यूस फॉर वायलेट रेस। यहां पर रेड कलर की डेविएशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वायलेट रेस। तो 3 डिफरेंस हो चुके हैं। इसके बाद के सेक्शन में हम देखेंगे बाकी बचे हुए डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं बाकी बचे हुए डिफरेंस क्या है प्रिज्म स्पेक्ट्रा एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा के बीच में। तो 4th पॉइंट में आप लिख के आ सकते हैं, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय टी डी म्यू बाय डी लैम्डा, वेयर टी इज थिकनेस ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म एंड डी म्यू अपॉन डी लैम्डा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है प्रिज्म की, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, टी मल्टीप्लाई डी म्यू बाय डी लैम्डा। टी यहाँ पर थिकनेस है, कितनी है थिकनेस बेस ऑफ द प्रिज्म की, कितनी थिकनेस है प्रिज्म की। प्रिज्म जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, और जो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के साथ चेंज होता है। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ, वो भी यहाँ पे आपको थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डी म्यू बाय डी लैम्डा है रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये होता है तो हमारे पास। तो ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, जो आपके सिलेबस में भी है, जिसकी डेरिवेशन आपने की हुई है, और वहां पर हमने रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कितना निकाला था, वो निकाला था
एंड मल्टीप्लाई कैपिटल एन, स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेटिंग इज गिवन बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन, विद एन इज ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एन इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग सरफेस। जो ग्रेटिंग सरफेस के ऊपर बहुत सारी लाइंस होती हैं, 15,000, 12,000 अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस होती हैं अलग अलग ग्रेटिंग सरफेस के ऊपर। और स्मॉल एन क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन मिल रहा है आपको, सेकेंड ऑर्डर डायफ्रेक्शन पैटर्न आपको दिखने को मिल रहा है। तो ये है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन, स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन। तो थर्ड फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लेके आएंगे, द स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड विद डिफरेंट प्रिजम्स आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम। जो अलग अलग प्रिजम्स होंगे, अगर आप अलग अलग प्रिजम्स के स्पेक्ट्रा को कंपेयर करते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो रिजॉल्विंग पावर होती है प्रिज्म की या फिर डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की, वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करती है। अब हर एक प्रिज्म जो है उसके मटेरियल का नेचर अलग अलग होगा, मीन्स हर एक प्रिज्म की रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर भी अलग अलग होगी, तो स्पेक्ट्रम भी जो है वो अलग अलग होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। इस केस में आपको क्या मिलेगा, जो ग्रेटिंग के अलग अलग ग्रेटिंग्स के स्पेक्ट्रम होंगे वो आइडेंटिकल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जो डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर होती है ग्रेटिंग की, वो मटेरियल ऑफ द ग्रेटिंग पर डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट लिखेंगे आप इसका, द स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट ग्रेटिंग्स आर आइडेंटिकल बिकॉज डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रा, डिफरेंट ग्रेटिंग्स के स्पेक्ट्रा जो है वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर जो है वो मटेरियल ऑफ द ग्रेटिंग पर डिपेंड ही नहीं करती। तो स्टूडेंट्स पांच पॉइंट हो गए हैं, इसके बाद में आपको दो पॉइंट्स और बता दूं, ताकि आपके टोटल 7 पॉइंट्स हो जाएं, फिर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको जो से पॉइंट्स आसान लगेंगे वो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो बाकी दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक पे, जिसमें हम बाकी दो बचे डिफरेंस डिस्कस करेंगे। छठे डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे, सिक्स डिफरेंस ये होगा, द प्रिज्म स्पेक्ट्रम इज ब्राइटेस्ट एज मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिंगल स्पेक्ट्रम। जो प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्पेक्ट्रम होता है वो काफी ब्राइट होता है, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि प्रिज्म सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, मींस इंसिडेंट लाइट एनर्जी जो है वो सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके परली तरफ मींस ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ग्रेटिंग जो है वो बहुत सारे स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करती है, तो इंसिडेंट लाइट एनर्जी को बहुत सारे स्पेक्ट्रा में डिस्ट्रीब्यूट होना होगा, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा जो है वो इतना ब्राइट नहीं होगा। The grating spectra are less bright as most of the incident light energy is distributed in a number of spectra. ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा जो है वो इतने ब्राइट नहीं होंगे, क्योंकि इंसिडेंट लाइट एनर्जी जो है वो बहुत सारे स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज डी म्यू बाय म्यू माइनस वन। प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर का ये फॉर्मूला होता है डी म्यू डिवाइड बाय म्यू माइनस वन। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म की इतनी होती है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डी थीटा बाय डी लैम्डा, मीन्स एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन वेवलेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसे कहते हैं हम डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये आपके सिलेबस में है, इसकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पर हमने क्या ड्राइव की थी, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है स्टूडेंट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ये आपके डिफरेंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा के बीच में। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।